हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हो मैं कहाँ पर आई हूँ। हम लोग सब जन फुल फैमिली, साने फैमिली नेरल आए। एक्चुअली हम लोग ना फ्राइडे को ही आए थे, 28 को शाम को, बट इतनी बारिश थी कि मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। दो तीन दिन भी हम लोग को सेटल होने में गया, क्योंकि यहाँ पे कोई मेड्स नहीं, कुछ नहीं। तो इतने जन हम लोग ऑलमोस्ट 10 जन है फैमिली, तो सबका खाना पीना सब करने में बहुत टाइम चला गया। तो आई डिड नॉट शूट एनीथिंग। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो अगर मैं डेली भी व्लॉग बनाऊँ सो आई विल नॉट बी एबल टू अपलोड इट, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने एक व्लॉग बनाया है जो मैं यहाँ 3 दिन से अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ड्यू टू पुअर इंटरनेट, मतलब नेट आता है जाता है आता है जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैंने छोड़ ही दिया 3 दिन से कंटिन्यू ट्राई करके। खिड़की के ऊपर लगाया था, यहाँ पे अमूल ने यहाँ पे वो स्टैंड दिया था उसके ऊपर रखा था, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है। तो अभी जब मैं मुंबई आऊँगी तभी हम लोग बनाएंगे। एंड सी, दिस इज जन्मेश। से गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। हम लोग कहाँ पे आए? नदी पे। क्या करने वाले? मस्ती। तो इस वजह से आई डिड नॉट मेक एनी व्लॉग। और अभी मैं ना सोच रही हूँ आज फर्स्ट व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि हम लोग सब आए हैं नदी पर। ये देखिए बच्चे सब लोग आ गए, मम्मी काकी, और हमारे साथ ना बड़ी आत्या भी आई है, डैडी की एल्डर सिस्टर। तो हम लोग उनको भी लेकर आए, क्योंकि जब से ये घर बना तब से बड़ी आत्या भी आई नहीं है, एंड शी स्टेज इन थाना ओनली। तो हम लोग का ऑन द वे ही था, इसलिए हम लोग आत्या को भी हम लोग के साथ लेकर आए। तो अभी हम लोग यहाँ पे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको नदी दिखाया था जब निशु और अमोल आए थे, अभी वो पूरी तरह भर गया है, पानी ऊपर तक आ गया। और बच्चे आए ना तब से हम लोग कितने बार यहाँ पे आके नहा चुके, और मैंने शूट नहीं किया। सो टुडे आई एम शूटिंग इट। सी, दिस इज़ द नदी, पूरा भर गया है और पूरा ऊपर माउंटेन से वाटरफॉल आ रहा है, एंड सच अ ब्यूटिफुल सीनरी टू सी। अगर यहाँ पर आने का सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आप पूरा वो दिन हमारा जो डेली लाइफ स्टाइल है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है, ना नेट है, ना टीवी है, ना आजू बाजू में कोई है। ग्रॉसरी सब सामान लाने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ता है, तो वही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा मन को पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो यहाँ पे आके बैठो एंड सी द ब्यूटिफुल सीनरी। वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, और इतना खूब। और जब से हम लोग निकले 28 को, तब से कंटिन्यूस इट्स रेनिंग रेनिंग रेनिंग। आज सुबह से ही बारिश बंद है और धूप निकला है, तो इतना अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोग सबको, मम्मी को, काकी को, सबको लेकर आए कि बारिश नहीं तो चलो थोड़ा नदी पे बैठने के लिए आ जाते। तो ये देखिए, एंड सानू एंड जन्मेश तो इतना एंजॉय कर रहे ना नदी पे। हम लोग कल शाम को भी आए थे, परसों भी आए थे, जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हम लोग आए। सो इतना उन दोनों को मज़ा आ रहा है ना। तो चलिए अभी मैं भी जा रही हूँ नदी पे, और आप लोगों को भी दिखाते हूँ हम लोग क्या मस्त एंजॉयमेंट करने वाले हैं। थोड़ा आपको सीनरी भी दिखाती हूँ, पीछे ये देखिए हमारा घर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो, से हाय। व्हाट यू डूइंग? आई एम प्लेइंग। व्हाट यू प्लेइंग? विद दादा? काकी देखो एकदम सेंटर ऑफ द नदी जाके बैठ गई है। और ये है बड़ी आत्या। आत्या से हाय। आयता नमस्कार करा। बड़ी आत्या है एंड दिस इज मम्मा। तो बारिश नहीं था तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए कि चलो थोड़ा खेलते। अभी निशु भी आने वाली, ही इज डूइंग ब्रेकफास्ट एक्चुअली। तो निशु भी थोड़ी देर में हम लोग को ज्वाइन करने वाले। और इतना अच्छा लग रहा है ना, जो पानी फ्लो हो रहा है, सब बैठे हैं मज़ा कर रहे हैं। और एक बार नदी में उतरो ना तो बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं करता कि उठूँ और वापस घर पे जाऊँ। ऐसा लगता है दो दो तीन तीन घंटा बैठे ही रहो। उसी देखिए यहाँ से पानी पूरा फ्लो होके आ रहा है। लुक एट सानू, सानू इज ऑल्सो एंजॉइंग सो मच। उसको तो इतना जैसे स्विमिंग पूल में खेलने मिलता है ना, ऐसा ही लग रहा है। कल भी जब मैं शाम को इनको लेकर आई, आधा घंटा हो गया एंड आई एम टेलिंग देम चलो चलो, बट स्टिल नहीं, खेलना है खेलना है खेलना है। फाइनली जब पीछे से मम्मी लोग खिड़की से चिल्लाने लग गए तभी ये लोग उठ के गए, है ना दादा? Yes. तुमको तो दिन भर रखेंगे तो भी तुम यही रहोगे ना? हाँ, इधर ही ना। आत्या भी फुल जोश में एकदम। पाणी उडवा, धावत यायला पाहिजे।
क्योंकि ना आत्या को भी घूमने का बहुत शौक है, बट कोरोना की वजह से वो भी कहीं नहीं गए, वरना उनकी जो फैमिली उसमें भी वो लोग इतना पिकनिक करते, गांव जाते, तो इतने टाइम के बाद जब हमने आत्या से डिस्कस किया दैट वी आर कमिंग हियर तो वी विल टेक यू ऑल्सो, तो वो एकदम रेडी हो गए कि हाँ मुझे भी लेके चलो, क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोग घर में बैठे बैठे ऐसे बोर हो गए, तो अभी बाहर जाने का मौका जैसा जिसको मिल रहा है ना वैसे वो लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे कैसे ना क्लाइमेट इज़ वेरी ओपन, नो पोल्यूशन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इतना कुछ है ही नहीं, और घर से बाहर तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, घर के पीछे ही नदी है, तो इसके लिए आत्या भी रेडी हो गई कि हाँ मैं आती हूँ करके। एंड सच में मम्मी ने, काकी ने, आत्या ने और मैंने मिलके दो तीन दिन इतना यम्मी यम्मी फूड बनाया ना, चिकन मटन कोमड़ी वड़े वेज, बहुत हम लोग ने तीन दिन हो गया बट बहुत एंजॉय किया। टुडे इज़ द फोर्थ डे, अभी पता नहीं हम लोग और कितना, दो चार दिन और रहेंगे उसके बाद जाएंगे मुंबई। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसके आगे भी ब्लॉग शूट करूँगी कि नहीं, कि यही एक ही ब्लॉग करने वाली हूँ, सो लेट मी सी हाउ इट गोज, हो सकेगा तो करूँगी, लेट सी, है ना दादा। सो नाउ लेट मी ऑल्सो सिट एंड एन्जॉय। और पानी भी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है कि आपके पैर भी इसमें एकदम क्लीन दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। जब आप दूर खड़े रहोगे ना तो ऐसा फील होगा अरे इतने ठंडे पानी में कैसे पैर डाले, बट बिल्कुल ऐसा नहीं, एक बार आप अंदर आ जाओ ना सो यू विल फील सो नाइस। और ये देखो दादा देखो क्या कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना पूरे फैमिली के साथ बैठ के ऐसे पानी में एंजॉय करना। एंड आई थिंक काकी ने तो इतना अच्छा काम किया है ना कि बराबर राइट प्लेस पे उन्होंने घर लिया है, क्योंकि घर के पीछे ही नदी है, तो जब भी आओ तो बारिश के टाइम पे नदी में यहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ ही रहता है। जैसे मैंने, हाँ 5 महीना पानी रहता है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग लास्ट ईयर भी अगस्त में ही आए थे, तो इस ईयर भी वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग आ पाए वापस, ऑल थैंक्स टू डैडी, क्योंकि डैडी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सब यहाँ पे अगस्त एंडिंग में 28 को आए, एंड अभी पानी बहुत अच्छा है, जैन फेब तक अच्छे से क्लाइमेट रहता है, गर्मी में तो आप बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं रह पाओगे। और इतना मस्त लगता है ना, घर के पीछे ही नदी है, जब मन आया तब आओ बैठो एंजॉय करो जाओ, एंड लुक एट देम, बच्चों को इससे अलावा और क्या चाहिए, दे सो नाइसली दे आर एंजॉयिंग। आत्या कसं वाटतं तुम्हाला, कसं वाटतंय? मस्त मस्त एकदम छान, मस्त छान केलं अगदी काम, मस्त वातावरण पण किती छान आहे ना, वातावरण तर सुंदर आहे, आता इथून ना जावं असं वाटत नाही, पण या सगळ्यांनी कोरोना गेला ते तुम्ही पण इकडे या, इथं भाड्याने घर मिळतात भरपूर, बंगले आहेत भाड्याने द्यायला, लुक एट देम, वडा फुलतो या वडा 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 क्या कर रहे तू, अरे मेरा कैमरा, अरे सोनी बोल गई कैमरा है ना बाबा। ये लोग अभी मुझे पूरा भिगाने के प्लानिंग में है दोनों भी जन, और अभी हम लोग पूरा एंजॉय करने वाले, एक दो घंटा यही बैठने वाले, सो आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर ओनली विद यू ऑल, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, अपलोड नहीं हो रहा है, तो वी आर एंडिंग द व्लॉग। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, सो एज आई ऑलवेज से डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग को आज का ये नदी वाला व्लॉग कैसा लगा, सो नाउ वी ऑल आर गोइंग टू एंजॉय, बाय बाय।